नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भाग प्रथम लेकर, और वो भी पटवार परीक्षा के। ठीक है जी, इसमें हम प्रीवियस ईयर में एक बार सिर्फ मैथ्स के करेंगे। ठीक है, जो गणित के प्रश्न है वो करेंगे, और उसमें भी रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इन चार चैप्टर को कवर करेंगे। इनके बीच में अगर पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो संबंधित होते हैं रेशो के। ठीक है, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उसके बाद हम पार्टनरशिप भी कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बातें रहेंगी, बिल्कुल सिंपल सेशन रहेगा। आप आज बता देना इस सेशन के माध्यम से स्पीड कम ज़्यादा, क्वेश्चन कम ज़्यादा, जैसा आपको उचित लगे, क्योंकि इस क्लास के बाद जगदीश सर की क्लास होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर साइंस का जो टेस्ट रहेगा वो भी अब डेली आएगा, और अंतिम रूप से मेरी क्लास होगी, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड होगा आज। ठीक है, तो पहली क्लास का ये सिस्टम है अपना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप। ठीक है, लाइक करो और शेयर करो। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक जरूर करना होता है। ठीक है, अगर कुछ सीखने को वाकई में मिल रहा है आप सभी को। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप सभी को, ये पहला क्वेश्चन बनाया। चलिए स्पीड से करिए आप सभी, 40, 45, 50 सेकंड हैं आपके पास। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो उनका गुणनफल होगा, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पूछा गया है। ठीक है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप क्या करो कि मानना वह संख्याएं, ठीक है, मानना वह संख्याएं कौन सी मान लेते हैं, ए और बी, और यहां पर कहा गया है संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो कितना है, 68 है, और उनके अंतर का वर्ग, इनके अंतर का जो वर्ग है वो कितना है, 36 है, तो उनका गुणनफल बताना है। गुणनफल बताने का मतलब a इंटू बी से है, इसे सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना, 36। इसे सिंप्लीफाई किया गया है, एज इट इज लिखा गया है। अब देखिए यहां से आपको 68 वैल्यू प्राप्त हो रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, मैं यहां पे पुट करने वाला हूं, तो सर ये आएगा 68 माइनस 2ab बराबर कितना, 36, माइनस का 2ab बराबर 36 और माइनस का 68। ठीक है, अभी इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab बराबर माइनस का कितना, 32 बचेगा ना। ठीक है, 32 बचेगा और माइनस माइनस प्लस होगा, और ab की जो वैल्यू है वो 32 बटा में 2, और ab की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 16 आएगी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब आप ऐसा नहीं कहोगे कि सर हमें ऐसा नहीं करवाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। दो फॉर्मूले जिंदगी में हमेशा याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, सेम ये है बट माइनस का साइन यहां पर आएगा, माइनस का 2ab। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से, इन दोनों को घटाने से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल के लिए ये सीखना है, ये आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, स्पीड से करिए आप सभी, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करिए जी फटाक से, सही नहीं है, दूसरा क्वेश्चन लगाइए फटाक से, जल्दी जल्दी, आसान है बिल्कुल, मतलब कि इतना आसान है, पास और फेल से संबंधित परसेंटेज में हमने किया था। ठीक है, वो वाला है। चलिए दूसरा जो प्रश्न है पढ़ते हैं उसे, आप करो इतने, मैं नंबरिंग लगाई मैंने 2 नंबर। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9% उत्तीर्ण हो गए यानी कि फेल हो गया, तो पेपर का पूर्णांक बताइए। अब ये बातें ना यार बिल्कुल उस इज्जतदार तरीके से नहीं करवाई जाएंगी, बताया तो अच्छे से जाएगा बट ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं बता चुका हूँ प्रतिशत में। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत में यानी कि इसको पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, इसने 24%
24% अंक प्राप्त करे और 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर 9 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। कितना पास हो जाना था, 9 नंबर और आ जाते। अब ये पक्षांतरण करेंगे, ये आएगा 12% बराबर कितना 9, 12% बराबर कितना 9, और 1% बराबर आएगा 9 बटे में कितना 12, और हमें चाहिए पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स, तो 9 बटे में 12 इंटू में कितना 100, ये तीन बार जाएगा, ये 4 × 3 और ये 25 × 3 कितना आएगा 75 अंक आएगा, कितना आएगा 75 अंक आएगा, 75 अंक आएगा। अगर हमसे पूछता पासिंग के लिए कितने चाहिए, तो ये आएगा 75 का 36%, 25 × 3 = 24, 4 जाएगा 9 बार, और मेरा आंसर कितना आएगा 27, कितना आएगा 27 मेरा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ आया होगा, किया हुआ है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी सोल्व करिए, स्पीड से जल्दी जल्दी, सही तो आ रही है ना स्क्रीन पे। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन लगाइए आप सभी, इसे मिटा देते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 176,400 है, इसमें 5% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हुई है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या बताइए। देखो वर्तमान, मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही वर्तमान शब्द बोलेगा हमें नहीं पता चल पाएगा, जब आखिरी में हमें पूछेगा भी 2 वर्ष पहले की बताओ या 2 वर्ष बाद की बताओ, तब हिट कर पाएंगे कि वर्तमान यानी कि जो वो 176,000 है या कोई भी डिजिट गिवन है वो किस सन की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है या बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा 2 साल पहले की, तो पहले मान लो आज ये प्रेजेंट है, पहले की बात कर रहे हैं, ये 2 साल यानी कि ये क्वेश्चन मार्क लगाया, ये हमें बताना है। अब पहले साल 5% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 5% की, और अंततः रूप से कितना हुआ है 176,000, आवाज आ रही है 176,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये मानते हैं x, अब x का 105 बटे में कितना 100 इंटू 105 बटे में कितना 100 बराबर कितना 176,400। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे आप अपने हिसाब से, 21 × 5 = 105, 20 × 5 = 100, 21 × 5 = 105 और 20 × 5 = 100। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे सिंप्लीफाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि आंसर दशमलव में नहीं है, तो ये जाएगा। टेबल देखो, टेबल तो याद होनी चाहिए, 3-3 के फाड़े से नहीं, 21 बहुत छोटा टेबल है, 40 तक याद होने चाहिए, तो 21 × 8 = 168, 8 बचा 4 कैरी करा, 21 × 4 = 84 ये गया। अब 21 × 4 = 84 अभी भी बोला था, ये कितना आएगा 400 आएगा, और x की वैल्यू आएगी 400, तो वो उस साइड था, और ये जब पक्षांतरण करेंगे इस 20 और 20 की गुणा मल्टीप्लाई 400 से 400 बार हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो 20 × 20 = 400 है, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 160,000 आएगा। और जो दूसरा तरीका बताया था वो आपको बताया था फ्रैक्शन से संबंधित था, देखो ठीक है, फ्रैक्शन से संबंधित था कि 5% की वृद्धि का मतलब है 1/20, यानी कि 20 से कितनी हो रही है 21, 20 से कितनी 21, 20 × 20 कितना 400, 21 × 21 कितना 441। मैंने एक ही बात बताई थी कि हमें नहीं पता ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, उन्होंने कहा कि 2 साल पहले की बताओ, क्योंकि ये प्रारंभिक होती है और ये अंतिम, 2 साल पहले बताने का मतलब है कि इस पे क्वेश्चन मार्क है, और जो अपने पास 176,400 है वो वैल्यू बराबर किसके है, इसके है, तो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी 400। अब 400 को 400 से गुणा करेंगे, 400 को 400 से गुणा करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 160,000 मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ऐसे समझ आया होगा और आना भी चाहिए। चलिए सर, 3 नंबर खत्म हुआ, 4 नंबर स्क्रीन पर है, जल्दी से लगाइए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत तेज गति से लगाओ आप सभी, अगर स्पीड ज्यादा हो तो बोलना जरूर कि सर कल से धीरे करवाओ या फिर कुछ भी आपको चाहिए जैसा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है, आप मानो कि आपके लिए ये टेस्ट है और डेली होगा, आप ऐसे मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, थोड़ा सचेत होके पढ़ोगे ठीक है, और साथ में ऐसा मान लो कि जो मैंने 4 चैप्टर करवाए हैं उसका अब टेस्ट हो रहा है इकट्ठा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए जी,
एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जावे कि 15% का लाभ हो। ठीक है, देखो पहले तो अगर स्टैंडर्ड डिजिट गिवन है, मतलब कि 16 से 2/3, 33 से 1/3 ऐसी ना हो, 1440 रुपए में बेचने से 10% का लॉस होता है तो 15% का लाभ, क्योंकि सीपी हमेशा 100 माना था तो जो विक्रय मूल्य है वो 15% जुड़कर आ चुका है। 0 से 0 ये 9 जाएगा कितनी बार, 16। सिंपलीफाई करेंगे, 16 5 80, 8 कैरी करा, 16 एकम 16 और 8 24, 2 कैरी करा, 16 एक 16 और 2 कितना 18। तो डायरेक्ट जो एसपी है वो कितना आ जाएगा, 1840 रुपए आ जाएगा। और दूसरी बात ये है, ठीक है, ये डायरेक्ट कर सकते हो। और अगर सीपी और रेशो के संबंध में बताना है, 10% का हुआ है लॉस, ये माइनस का 1/10, यानी कि सीपी का जो रेशो है वो एसपी के साथ 10:9 कितना है, 9 है। ठीक है, अब देखिए 1640 रुपए में बेचा गया है, 1440 रुपए में यहां पर बेचा गया है 9x में, बट वास्तविकता में कितने में बेचा गया है, 1440 में बेचा गया है, x की वैल्यू 160 है, तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 160 से, तो जो सीपी है वो कितना आएगा, 1600 आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो आप क्या करोगे, 1600 का या तो डायरेक्ट 115% निकाल दो, देखो यहां पर किया गया 16 को 115 से गुना किया क्योंकि 20 से 20 कट जाएगी, या 1600 का 15% निकाल कर सीपी में जोड़ दो, आंसर सेम आएगा, नतीजे सही आएंगे और 1840 आएगा। ऑप्शन नंबर है क्या, बिल्कुल ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए सर 4 खत्म, 5 स्क्रीन पर जल्दी जल्दी खत्म करो, 5 नंबर को, 5 नंबर क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है, किसी संख्या के घन। ठीक है, अब देखो आप करिए आप सभी, मैं तो 5 नंबर एक बार ऐसे हेडिंग डालता हूं, आप लिखिए जल्दी जल्दी, 5 नंबर दिख तो रहा है ना। किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है और उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है तो संख्या का मान होगा। ठीक है, देखो आप क्या करो कि माना वह संख्या, क्या मानने वाले हो आप, माना वह संख्या मान ली मैंने x, ओके, उसका जो घन है और उसका जो वर्ग है उसका अंतर तो 100 है, और दूसरी बार में कहा उसका वर्ग और उस संख्या का अंतर कितना है, 20 है, तो वो संख्या बताइए। अब देखिए आपको यहां से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहां से आएगा, कैसे आएगा, जब इसमें से ये थोड़ा नीचे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना 20 है, यानी कि एक्स कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना 100। अब देखो ये क्या था, एक्स स्क्वायर था, सॉरी, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप क्या करो, यहां पे 20 रख सकते हो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना है, 20 है, तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं एक्स इंटू इसकी जगह, ये देखो इसकी जगह ये और इसकी वैल्यू कितनी 20 और बराबर में कितना 100, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 5, क्योंकि 100/20 कितना 5। दूसरा जो तरीका है वो आप हमेशा पेपर में कैसे जाओगे, ऑप्शन पर जाओगे, क्यों जाओगे, पहला ऑप्शन 3 है तो 3 का क्यूब में से कुछ घटाएंगे तो वो 100 के बराबर कभी भी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर था और 3 × 3 × 3 और इसमें से ये कभी भी 100 नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन ए था, फिर दूसरा जो ऑप्शन था वो 4 था। अब आप खुद बताओ कि 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे तो कभी भी 100 के बराबर नहीं होगा। देन सी 5 था, तो 5 का क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो बराबर 100 के, 125 में से 25 गए। ठीक उसी प्रकार इसके स्क्वायर में से वो खुद घटाएंगे तो कितना 20, तो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इसी वजह से जो मेरा आंसर है वो क्या होगा, सी 5 होगा। आप चाहते हो तो ऑप्शन से, नहीं तो आप ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से सॉल्व करो, करिए जी जल्दी जल्दी सोल्व करिए, 6 नंबर प्रश्न है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखो ये तो करवाया हुआ है, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, फटाक से लगाइए, तेज गति से लगाइए आप सभी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप किसी भी विद्यार्थीगण को। ठीक है, करिए,
वर्ग की प्रत्येक भुज, देखो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो होगा a इंटू ए बराबर एरिया, मीन्स की भुजा गुणा भुजा, ठीक है, जो इसकी साइड इंटू साइड बराबर क्या क्षेत्रफल होगा वर्ग का, तो ये उसकी भुजा, देखो पहले और बाद की बात है, भुजा तो सेम होती है क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 50% की वृद्धि 1/2 होगा, यानी कि पहले भुजा 2 से फिर कितनी 3, और ये भी 2 से कितना 3, कोई अगर सोचेगा पहले 100 अब 150 ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ये एरिया पहले 4 था अब एरिया कितना 9, कितने की वृद्धि हुई 5, पहले वाले पे बताएंगे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो ये 25 एकम 125 यानी कि 125% की क्या हो चुकी है वृद्धि हो चुकी है, बिल्कुल आसान है, हमने आयत से संबंधित भी क्वेश्चन किए हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है, फटाक से लगाओ उसे, खत्म करो 7 नंबर जो प्रश्न है आप उसे खत्म करिए जल्दी जल्दी 7 नंबर क्वेश्चन को, कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की संख्या 48 है। देखो सिरों की संख्या से तात्पर्य है कि उस क्या नाम है, जो भी उसके पास जहाँ पे भी वो हैं जानवर 48 हैं, मीन्स कि अगर सिर 48 हैं तो जानवर भी 48 हैं, और जब पैर गिने गए तो 140 निकले, तो उन्होंने पूछा गाय कितनी है। ठीक है, अभी तक तो बता दिया होगा कई बच्चों ने, स्पीड से जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, उनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कितनी गाय है। चलिए देखो एक काम करते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आंसर किसका आएगा, 4 पैर वाले जानवर, किसका आंसर आएगा, 4 पैर वाले जानवर का आंसर आएगा, ये जो ट्रिक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुल पैर बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। ठीक है, 4 पैर वाले जानवर, और पैर 4 पैर वाले जानवर इस प्रश्न में क्या है, यानी कि गायों की संख्या आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, गाय की संख्या आएगी, तो कुल पैर 140 बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 48, तो ये अब बचेगा 70, तो 70 में से 48 जाएगा कितना 22, तो जो गाय है वो तो बची 22, और जो मुर्गे हैं वो कितने बचेंगे 26 बचेंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 48 हैं, तो ये एक तो तरीका है ये। ठीक है, दूसरा सुनो आप सभी, दूसरे में ये सीन है, एलिगेशन से होता है, आपके पास क्या है, क्वेश्चन मिटा देते हैं, एक तो है गाय और एक है आपके पास मुर्गे, अब गाय के पैर 4 हैं और मुर्गे के पैर 2 हैं, अब टोटल कितने थे जो जानवर थे 48 थे, एक बार के लिए मान लो सारी की सारी 48 की 48 गाय है, यानी 48 चौका 192 पैर हो चुके हैं, और एक बार मान लो सारे के सारे मुर्गे हैं तो 96 मुर्गे हो चुके हैं, बट ओवरऑल देखा गया तो ओवरऑल जो पैर थे, एवरेज जो पैर थे वो कितने थे 140, क्योंकि एवरेज चैप्टर के बाद हम एलिगेशन करेंगे तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, ये बचेगा 52 और ये बचेगा 44, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 11 4 44 और 13 4 52, ये 11 रिप्रेजेंट करेगा कि गाय की संख्या कितनी है, ये 13 रिप्रेजेंट करेगा मुर्गे की संख्या, यहां पर टोटल कितने जानवर 24x, बट वास्तविकता में 48x की वैल्यू 2, इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, अब ये कितना आएगा 11 दुना 22 और 13 × 2 = 26, इसे इन प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आना चाहिए, शाम दाम दंड भेद बेसिक से भी होते हैं, एक को एक्स मान लो, एक को 48 - x मान लो, गाय के 4 पैर उसके 2 एक्स 4x माइनस ऐसे करके कर लेना आप। ठीक है, तो ये खत्म हुआ अपना सिस्टम, आसान था ये। देखो बेसिक ऐसा बोलेगा आप सभी को कि टोटल जानवर कितने हैं 48, क्योंकि जितनी मुंडी उतने जानवर। ठीक है, अब इनमें गाय और कौन है, गाय और मुर्गे हैं, अब आप खुद बताओ, अपन ऐसा मानते हैं कि गाय कितनी मानते हैं x, तो मुर्गे कितने हो जाएंगे 48 - x, अरे हाँ के ना, मुर्गे कितने हो जाएंगे 48 - x हो जाएंगे, तो गाय के पैर कितने 4 और मुर्गे के कितने 2 और टोटल पैर कितने 140 पैर हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अगर x गाय है और एक गाय के 4 पैर है, तो गाय के टोटल पैर कितने 4x, अगर मुर्गे 48 - x और प्रत्येक मुर्गे के 2 पैर, तो टोटल इतने हुए बराबर कितने 140, इसे सोल्व कर लेना, सोल्व तो घर पे कर लोगे, समीकरण बनवा दी मैंने बेसिक से। ठीक है, तो ये बात आप सभी अच्छे से समझ लेना। चलिए सर 7 खत्म, 8 स्क्रीन पर फटाक से खत्म कर दो, 8 नंबर तो बहुत आसान है, वो फॉर्मूला बेस्ड वाली बात है, अगर समझ पाओगे तो जल्दी जल्दी कर दिया 8 नंबर क्वेश्चन को।
आठ नंबर प्रश्न है, बिल्कुल आसान और अच्छा भी है आठ नंबर प्रश्न। क्या कहता है कि दो संख्याओं x और y के वर्गों का योग 85 है और उनका गुणनफल 42 है और x इज ग्रेटर देन y, देन x माइनस y का मान बताइए। देखो x माइनस y का मान बताना है, तो x बड़ा है, ठीक है, इसी वजह से, और उन्होंने दे भी रखा है। चलिए, दो संख्याएं उनके वर्गों का योग है, ये दो संख्याएं हैं और इनके जो वर्गों का योग है वो कितना है 85, और उनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है वो कितना है 42 है, और हम सभी से पूछा है x माइनस वाई। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, डायरेक्ट बताने में दिक्कत होगी, काफ़ी सोचना पड़ेगा, अगर डिजिट भी सोचोगे तो। आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो आपको जो गिवन है, ये जो आपसे पूछा गया, उसका स्क्वायर कर दोगे। अगर क्यूब की सेंस में होता तो इसका क्यूब कर देते, ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर तो है नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला आगे लिख पाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए x माइनस वाई तो हमें बताना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये, अब ये तो गिवन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना 85 माइनस 2 xy कितना है 42, यानी कि 42 दूना कितना 84 आएगा, और माइनस इधर 85 चल रहा था और इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 85 में से 84 गया, एक आएगा, और जाहिर सी बात है अगर इसको हटा के एक का स्क्वायर रूट करोगे तो बाबू कितना आएगा, एक आएगा, प्लस माइनस का आएगा, फिलहाल आंसर हमें प्लस में दे रखा है, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, ए आएगा, और वो भी कितना आएगा, एक आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मान के चलो इससे भी अच्छा पेपर आएगा, क्योंकि जो पेपर होने जा रहा है वो ग्रेजुएशन बेस पे होने जा रहा है, पहले नहीं था ये, ठीक है। तो चलिए सर, 9 नंबर स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित ये प्रश्न अभी अभी हमने खत्म किया है, करिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, फटाक से लगाओ इन प्रश्नों को, अच्छे हैं ये प्रश्न, सिंपल भी हैं, आप कर भी पाओगे इनको, ठीक है, जल्दी जल्दी लगाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, 500 रुपए में खरीदता है, और उस पर 700 रुपए का मूल्य अंकित करता है, 500 रुपए में खरीद कर और जो मूल्य अंकित हो रहा है वो कितना हो रहा है, 700 रुपए हो रहा है, और वह नगद खरीद पर जब वह नगद बेचता है तो 10% की छूट देता है, तो राशि और प्रतिशतता में कुल लाभ बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है कि मैंने एक बात बताई थी उसमें, आपको लिखना है MP, SP और CP लिखना है, भी 500 रुपये में तो खरीद रहा है और अंकित कितने कर पा रहा है 700 रुपये, और जब कोई नगद खरीदता है तो 10% का बट्टा देता है, तो जो छूट है वो किस पे दी जाएगी, MP पे, यानी कि जो छूट है वो 700 का जो 10% है, यानी कि जो छूट 70 रुपए की है, अगर छूट 70 रुपए की है तो बेचा कितने में, 630 रुपए में। हम सभी से दो बात पूछी है, क्या, पहली तो पूछी है राशि और प्रतिशतता में कुल लाभ, राशि में प्रॉफिट पूछा, तो राशि में जो प्रॉफिट है वो हम बता पाएंगे, 500 में खरीदी 630 में बेची तो प्रॉफिट कितना, 130 रुपए का लाभ है ना ये प्रॉफिट, और दूसरी बार पूछा है लाभ वो प्रतिशत में बताना है, तो 130 रुपए का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, 20 से 20 और 5 ये 26 पंजे 130, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 26% आएगा, ठीक है, और 130 रुपए आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए मेरा सही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा, अभी अभी करके आए इतने आसान क्वेश्चन, हम तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करके आए हैं। चलिए सर, अंतिम क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है आज के सेशन का, आप इस सेशन के बाद जरूर बताना कि कैसा लगा ये सेशन, इस सेशन को आगे बढ़ाएं, अपन बढ़ाएंगे तो जरूर सारे के सारे जितने भी प्रश्न आए हुए हैं मैं आपको पटवार के पहले जरूर करवाऊंगा, उसके बाद LDC में। देखो पटवार में जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनमें ट्रिगोनोमेट्री भी थी और अलग चैप्टर भी थे, तो मैं वही क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। देखो मैंने पार्टनरशिप उठाया क्योंकि पार्टनरशिप रेशो से संबंधित होता है, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम पार्टनरशिप भी कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा होगा और क्या कहा गया है, यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय कीमत के बराबर है, 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय कीमत के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। ये वही बात है जो हमने पहले ये लम्हात जिए थे, जो नहीं कर पा रहे उनको बहुत दिक्कत होने वाली है कि 20 पेनों का क्रय मूल्य 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए।
ओके अब 20 सीपी बराबर 25 एसपी, यानी कि जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, ये तो सभी को पता है ना यार। अब इसको नहीं पता तो भाई साहब इधर आओ, ये सीपी ये बटे में एसपी बराबर 25 बटा में कितना 20, क्योंकि इस साइड चला जाएगा ये इस साइड आ गया। खरीदा 25 में बेचा 20 में, लॉस कितना 5 रुपए का, लाभ हो या हानि कैलकुलेट किस पे, सीपी पे। सीपी कितना 25 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो 5 एक 5 5 5 25, ये 5 कितनी बार गया 20 बार, यानी कि अल्टीमेटली जो लॉस होने वाला है वो कितना होने वाला है, 25 प्रतिशत का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और बहुत सिंपल और अच्छा सेशन रहेगा आप सभी के लिए। इसे मैं मिटा सकता हूँ, है ना। देखो 10 क्वेश्चन मैंने आपको आज करवाए हैं, आप घर पे करना इन 10 प्रश्न को। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ भी मिल जाएगी जैसे कि हर सेशन में होता है। तो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिसने कोचिंग की हुई है वो इन प्रश्नों को लगाओ। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा आपको। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।